हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है छठ पूजा का पहला दिन नहा खाए, और आप लोग को नहा खाए का बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अब नहा धो ली हूँ। नहा धोने के बाद मंदिर से भी आ गई, अब मैं जा रही हूँ किचन में जो नहा खा का खाना बनता है। लौकी की सब्जी तो बहुत ज़रूरी होता है इसमें बनाना, और अरवा चावल और अरहर दाल, और कोई दाल नहीं बना सकते। उसके बाद आप लोग मतलब कोई भी सब्जी हम लोग चाहे तो बना सकते हैं। तो मैं जा रही हूँ, क्या क्या बनाती हूँ वो आप देखिए। मैं किचन में आ गई, अब नहा खाए का खाना मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले लौकी काट के लौकी को छौंक दूँगी। लौकी का सब्जी तो आप लोगों को पता ही है, बहुत ज़रूरी होता है बनाना। तो लौकी का सब्जी मैं बस यहाँ पे घी और सूखा मिर्ची का फ़ोरन में लौकी का सब्जी मैं यहाँ पे बनाऊँगी। कढ़ाई भी मैं यहाँ बैठा चुकी हूँ लौकी की सब्जी बनाने के लिए। लौकी काटना कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए दाल भी बन गई, दाल तो मैं पहले ही बना दी थी। और सूखा मिर्चा का फ़ोरन दे रही हूँ, अब इसमें घी डाल दूँगी। चीनी ऑफ, चीनी भी ऑन कर दी। सूखा मिर्ची थोड़ा लाल हो जाएगा तो उसमें मैं लौकी डाल दूँगी। इसमें अब लौकी डाल दूँगी, अब लौकी में बस नमक और हल्दी डालूंगी। मसाला वगैरह कुछ डालूंगी नहीं, भुजिया जैसा ही रहेगा। अब इसे चला के मैं ढक दूंगी। देखिए राइस पे मैं पहले ही बना चुकी हूँ, अरवा चावल है ये, राइस दाल ये सब पहले ही हो चुका है। छोटा कढ़ाई में यहाँ पे उस कढ़ाई को वहाँ सेफ कर दी हूँ। यहाँ पर मैं भुजिया छौंक दूंगी, तो हरा मिर्चा का फ़ोरन डाल रही हूँ यहाँ पर मैं, और मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। भुजिया में तो ऑयल ज़्यादा नहीं डालने से भुजिया क्रिस्पी नहीं होता, टेस्ट भी नहीं आता है भुजिया में। सब्जी में तो कम ऑयल चल भी जाता है। अब यहाँ जो पकौड़ा का जो मसाला है उसमें हल्दी नमक डालूँगी। नमक डाल दी थी, फिर याद है कि मतलब पहले से भी नमक डाली हुई थी मैं, तो वापस मैं नमक डाल, तो फिर नमक को मैं निकाल रही थी, तो नमक और ज़्यादा हो जाता। हल्दी डाल के मैं मिला दी, वहाँ पे मिर्ची भी लाल हो गया ऑयल में, और आलू छौंक दूंगी। आलू भी छौंक दी मैं यहाँ पे। आलू को क्रिस्पी होने तक आलू को फ्राई कर लूँगी मैं। फ्राई करने आलू का भुजिया सभी को बहुत पसंद आता है, लौकी तो सभी को पसंद आता नहीं है, फिर भी नियम होने से तो खाना ही पड़ता है, और आलू का भुजिया इसलिए मैं बना दी। और यहाँ पे आलू का पकौड़ा, लौकी का पकौड़ा और मिर्ची का पकौड़ा, ये तीनों पकौड़ा मैं बनाऊँगी। तो आलू को मैं हल्का सा स्टीम कर लूँगी नमक और पानी देके, मतलब तेल में फिर फ्राई करने से ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब नहीं करता है, नहीं तो फिर तेल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है वो खाने में फिर अच्छा नहीं लगता है। देखिए यहाँ पर आपका लौकी तो हो गया, थोड़ा बाकी है होना, और आलू भी फ्राई हो चुका है। यहाँ मैं किचन में खाना बना रही थी, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहा धो के रेडी हो गए। उनका भी आज नहा खा है, वो भी छठ व्रत करते हैं, चैंबर भी जाना है इनको, तो जल्दी से रेडी हो के खा पी के निकल जाएंगे। तो खाना तो अभी प्रॉपर रेडी नहीं हुआ था, लौकी बाकी था। मैं सोची यहाँ पे माँ को नेल पेंट लगा देती हूँ, तो मैं यहाँ पे हाथ में नेल पेंट लगा रही हूँ। तो ये आके कुछ बोल रहे थे मेरे से, वही मैं उनसे बात कर रही थी, और बाबू भी यहाँ बैठा हुआ है, बैठ के वो भी कुछ कुछ कर रहा है। फिर दादी का नेल पेंट पे फूक के उसको ड्राई कर रहा था नेल पेंट को, और पैर में माँ बोली कि ग्रीन कलर का मत लगाना, कोई और कलर लगाना। बोले ठीक है मैं पिंक कलर लगा दूँगी इसमें, तो मैं यहाँ पे पिंक कलर का मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। और नेल पेंट लगाने के बाद फटाफट मैं किचन में जा के खाना रेडी हो ही रहा है,
बैठाई हूँ गैस पे, बस हो जाएगा तो मैं निकालूंगी जाके। अब बाबू देखे यहाँ पे, बाबू नेल पेंट को ड्राई कर रहा है, बहुत दादी से अटैचमेंट है बाबू को अपनी दादी से। चलो ये काम हो गया, उसके बाद मैं खाना तो निकाल दी हूँ, देखिए यहाँ पे खाना भी निकल गया। अब हम लोग बैठ जाएंगे दोनों जन खाने के लिए, और खाने से पहले थोड़ा सिंदूर लगाना होता है, वो भी येलो सिंदूर हम लोग में। तो मेरी देवरानी यहाँ पे आके मुझे येलो सिंदूर लगाएगी, और येलो सिंदूर हम लोग भी आ रही है, बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा होता है येलो सिंदूर लगाना। हम लोग हर फेस्टिवल में येलो सिंदूर ही लगाना पड़ता है, और अपने से जो छोटा होता है वो बड़ों को प्रणाम करता है। आज के दिन फिर अपने भैया को भी प्रणाम करे थे, वो बोल रहे थे दूर से बोल रहे थे स्माइल देके, हाँ खुश रहो। माँ तेरी जो करी दिल
गाइस नहा खा का नियम सारा हो गया है। कल है खरना, ये छठ पर बहुत बड़ा एक हम लोग बिहारी समाज का पर्व है। तो मैं अभी ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय।